चीज को इस पे मार के देखेंगे। तो हेलो एमए के फैमिली, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दो ऐसे पार्सल जिसके अंदर क्या है हमारे को भी नहीं पता, क्योंकि ये हमारे को अमेजोन वालों ने भेजे हैं। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हम ये हथौड़े जैसी चीज को इस पे मार के देखेंगे। ये अनबॉक्सिंग होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चलो हम ले आते हैं हमारे औजार और कर लेते हैं पे धार। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस पिलो, लग रहा है मेरे को तो इसके अंदर। वो भाई इसके अंदर तो इन्होंने कचरा ही कचरा भर के दे दिया। चोट कर दी भाई, अमेज़न वालों ने तो इसके अंदर कचरा कचरा भर दिया, बस कचरा भर दिया। और कुछ भी हो सकता है, कचरा कचरा भर के दे दिया भाई, कचरा कचरा। अमेज़न वालों ने प्रैंक कर दिया हमारे साथ। नहीं 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 नहीं, इसके अंदर से निकला ये एक बॉक्स और बाकी, और इसके अंदर ये बहुत सारा कचरा ही कचरा निकल रहा है गाइस, कचरा ही कचरा कचरा ही कचरा। भाई इसकी जो है ना सेफ्टी अमेज़न वालों ने इतनी अच्छी तरीके से करी है ना, तो चलो इन सबको कर देते हैं साफ और देखते हैं इतनी सेफ्टी से पैक होने वाली चीज ये है क्या। इसके लिए भी हमारे को कटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारा औजार है जिसको ये धार। ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि ये बहुत ही टफली पैक होगा भाई, इतनी सेफ्टी से इनको भेजा है ना। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि इस तरीके से हम बहुत सारी तरीके से इसकी पिक्चर्स ले सकते हैं, और यहाँ पर इसके ऊपर ये स्टैंड भी बन जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये है स्टैंड, एक तरीके का ये स्टैंड है जो कि सेल्फी स्टिक का भी यूज़ में आ जाता है, और इसके अंदर इस तरीके से मोबाइल लग जाता है, और ऊपर एक फ्लैश लाइट भी दी है इसके अंदर, जो कि आपको रिंग लाइट के यूज़ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप फ्रंट कैमरे से वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो। और इसके अंदर आप हमारे को एक बटन भी मिल जाता है जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर और यूज़ में ले सकते हैं। तो चलो इसको और अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसके अंदर से निकला है एक और थैली भाई, इस स्टैंड को इन्होंने इतनी सारी सेफ्टी से पैक करके भेजा है भाई, अमेज़न वालों के लिए लाइक तो बनता है। ये एक स्टैंड है जो आप हर तरीके से रोटेट कर सकते हो, और इसके अंदर हमें ये बटन मिल जाता है जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, और ये हमारे को ओनली फॉर 350 रुपीज में पड़ जाता है। और ये इस तरीके से आप खोल बंद कर सकते हो, और ये इसकी लेंथ जो है वो इतनी बड़ी है आप देख सकते हो, और इसके पीछे ये जो आपको फ्लैश लाइट है दिख जाती है, और इसके अंदर 2% की ब्राइटनेस भी मिल जाती है आपको। और हम इसको वापस पैक कर देते हैं। और स्टैंड, हाँ स्टैंड तो बना के हमने चेक करा ही नहीं इसको, कहीं स्टैंड भी तो बना हुआ है इसके ऊपर, शायद ये नीचे से ऐसे खुल जाता है। और ये है हमारा फाइनल, और पहले जो है हम ये घिसे पीटे सेल्फी स्टिक को यूज़ में लेते थे, और बिफोर एंड आफ्टर आप खुद देख ही सकते हो गाइस ये कितना कूल है। तो ये है हमारा बिफोर, तो ये हमारा आफ्टर सेल्फी स्टिक, और ये इस तरीके से बंद भी हो जाता है। और ये, और इसके आप तार की हालत तो आप देख ही सकते हो, इसके तार की हालत आप देख सकते हो क्या हो रही है, इसकी हालत क्या गंदा हो रहा है। बाकी इसमें बटन मिल जाता है, लेकिन बटन हटता नहीं, इसके साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्सल की तरफ, इन सबको रख देते हैं हम साइड में। तो ये इसकी तो बहुत ही ज़्यादा हमारे को एक्साइटमेंट है कि इसके अंदर क्या हो सकता है गाइस, आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए इसके अंदर हो क्या सकता है। ये निंजा टोरी जैसा दिख रहा है, इसके अंदर दो बॉक्स है, इसके अंदर दो, भाई इसके अंदर दो डब्बे हैं जो कि अलग अलग हुए हैं, ऐसा लग रहा है एक के अंदर डंडा और एक के अंदर हथौड़ा है जो कि ज्वाइंट करके
हम इस तरीके से मार सकते हैं। बाकी पता नहीं है इसके अंदर क्या है, कोई कांच की चीज़ भी हो सकती है टूटने की, इसलिए हम इसको मारेंगे नहीं और कटर को वापस पैक कर देंगे और फिर इसकी अनबॉक्स कटर को तो पैक कर दी तो हम वापस इस पहले इसकी करें या फिर इसकी करें, एमए के पहले इसकी करें इसकी करें, तो एमए के बोल रहे हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग करें, तो इसलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए, अब ये नहीं पता इसको कहाँ से खोलना है, हम यहीं से खोल लेते हैं इसको। तो खोलो खोलो गाइस, ये इसका अभी तक मेरे को पता ही नहीं चला कि ओपन कहाँ से होएगा, इसका दरवाजा क्या है गाइस। इसके अंदर एक रिंग लाइट जो कि हमारे स्टूडियो में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, फाड़ दो गाइस इसको और हमारे को मिलती है एक रिंग लाइट। इसके अंदर एक रिंग लाइट निकली है, करते हैं। ओह नो नो नो, ये क्या है इसके अंदर का ये नहीं पता। बाकी हाँ, ये स्टैंड भी मिलता है इसके साथ हमारे को मोबाइल फिट करने के लिए। ओ गाइस, बाकी इसकी क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसको हम फिट करते हैं। और ये इसका यूज़ मेरे को नहीं पता ये कहाँ पर यूज़ में आएगा, तो इसलिए हम इसको अभी साइड कर देते हैं। और ये जो है, हाँ ये तो यहाँ पर लगेगा इस तरीके से, पहले ये खुल जाएगा तो हम इसको बाद में लगाएंगे, पहले हम कोई चीज़ की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसको कर देते हैं हम साइड में और हमारे कटर को हम ले लेते हैं औजारों को और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस, अब रिंग लाइट को देख के आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, आप इसको भी कमेंट करके जल्दी से बता दो, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके अंदर अब क्या निकलने वाला है। एमए के आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या निकलेगा? कांच की थैली भाई, इसकी लेंथ जो बहुत बड़ी सारी है, और मैं नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है, आपको खुद को गेस करना है। ये बहुत ही ज्यादा पैक हुआ हुआ है, तो आपने गेस कर लिया तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए नीचे और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। पहले गेस कमेंट कर दिया आपने, जब भी मैं दिखाऊंगा, हाँ आप लोग वीडियो देख ले तो, लेकिन कमेंट नहीं करते, कमेंट कर देना गाइस। और इसके अंदर निकला है हमारा स्टैंड जिसकी लेंथ है 7 फीट, और इसको कचरे को हम कर देते साइड में, और आप देख सकते हो ये स्टैंड और हमारी रिंग लाइट तैयार है जो कि हमारे स्टूडियो में 4 चांद लगा देगी। तो इसको हम खोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पेच मिल जाता है जिसको आप लूज करके फिर उसकी मदद से यहाँ पे आप इसको खोल सकते हैं, और फिर ये शायद मेरे हिसाब से और भी बड़ी इसकी लेंथ है, आप इसको और भी निकाल सकते हैं। और बाकी मेरे को पता नहीं है कि कहाँ पर से होता है, और ये है इसकी फाइनल लेंथ जो कि गिर रहा है अभी, हमारे को पता नहीं है कि ये यूज ऐसे होता है। ये देखिए गाइस, ये है हमारी रिंग लाइट जो कि आप देख ही सकते हो। अब हम इसके ऊपर इसको फिट करेंगे, इसको मैं नीचे रख लेता हूँ, ये कबाड़ी को मैं साइड में डाल देता हूँ, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। और पहले ये इसके काम में आएगा, इसके ऊपर हमारे को सबसे पहले ये लगा देना है। अब ये क्या चीज है मैं भी नहीं जानता, इसलिए मैं आपको भी नहीं बता सकता। और ये मैंने गलत ही खोल दिया, ये इस पे नहीं लगेगा, रिंग लाइट इसके ऊपर लगेगी। हाँ, तो ये रिंग लाइट जो है वो इसके ऊपर इस तरीके से लगेगी। अब इसके ऊपर हम रिंग लाइट कस देंगे, और ये रिंग लाइट हमने कस दिए, लेकिन ये
अभी भी थोड़ी सी लूज है, टाइट नहीं कसी है, हम बाद में इसको टाइट कस लेंगे। पहले आपको दिखा देते हैं, ये ऐसे नीचे भी हो जाती है, ऊपर भी हो जाती है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, इसके ऊपर आप अपना फोन लगा सकते हो। और इसके अंदर आपको 3 कलर मिल जाते हैं और इसके अंदर 10% की ब्राइटनेस भी आपको मिल जाती है, जो कि आप कभी भी कम और कभी भी तेज कर सकते हो। ये इसका मेन्यू बटन आपको मिल जाता है। सबसे पहले हम इसको अनलॉक कर लेंगे और ये तार की लेंथ भी आप देख सकते हो 1 मीटर के पूरे, अच्छी खासी लेंथ है। तो लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या आता है, गो। तो चलिए इसकी टेस्टिंग की घड़ी आ चुकी है, तो हम निकाल लेते हैं हमारा पावर बैंक। और ये आपको बता दूं कि ये पावर बैंक से भी यूज में ले सकते हो आप। और इसको हम लगा देते हैं, और इसको लगाने के साथ ही यहाँ पर एक तरीके की लाइट जल चुकी है, आप ये लाइट को देख सकते हैं जो कि ब्लू कलर में, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन हो चुकी है नहीं हो चुकी है। और गाइस लेट्स सी इसका रिजल्ट। इसके अंदर ये देख सकते हो आप इसका रिजल्ट, और इसके अंदर आपको 3 कलर मिल जाते हैं, ये देखिए 1, ये 2 और ये तीसरा। और मेरे को सबसे ज्यादा ये व्हाइट वाला जो है वो पसंद आया, और इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो गाइस ये जो आप वीडियो जो अभी देख रहे हो ये विदाउट रिंग लाइट वीडियो है, और जो अब आप देखोगे वो है विद रिंग लाइट वीडियो। तो गाइज आप कमेंट करके बताना पहले वाली बेटर थी या फिर अभी वाली बेटर है। और वो सब तो ठीक था गाइज, बाकी ये इतना सारा कचरा, आई डोंट नो ये अमेज़न वालों ने किया क्यों। ये तो MAT की हाइट से भी ऊंची है, और हम इसको और भी ऊंचा कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो ये मेरे से भी ऊंची जा चुकी है, शायद ये और भी ऊंची हो जाए। ये लास्ट लेंथ है गाइज इसकी, मेरे से भी ऊंची ये फाइनली गाइस। तो अब हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे। ये जो है आप अपने स्टूडियो में, अगर आपका टेक का चैनल है तो उस वो वगैरह की आप यूज में इसको ले सकते हैं। और गाइस अगर आपका ब्लॉगिंग वगैरह का चैनल है तो आप इस सेल्फी स्टिक को यूज में ले सकते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी लाइट भी मिल जाती है, बाकी इस लाइट से भी बहुत ज़्यादा आपको फर्क पड़ता है। तो लेट्स सी गाइस, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।